मास्को पहनिए भैया साहु जी, तब अभी वोट करने की रहेगा मोदी जी को। नहीं नहीं मोदी जी काम क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी चोर है, एक नंबर चोर, मतलब पूरा सरकार को बेच के खा जा रहा है, कर क्या रहे हैं वो मोदी जी। अभी रोजा का अफ्तारी खोल ही रहे थे, आप आ गए। हालांकि हम हिंदू है घर में, और जब ईद का नमाज पढ़ने भी जाते हैं संग में। इफ्तार खा रहे थे? हाँ अभी इफ्तार कर रहे थे, प्याजू और ये आलू चाप। आप हिंदू हैं, इफ्तार कर? हाँ। भाषण किन का पसंद है? भाषण तो हम लोग दीदी। हाँ मोदी जी भाषण अच्छा नहीं लगता? वो फेकू है, वो फेकू बाज है। करते क्या है? पहले हम बीएसएनएल में थे, कुपेंडर के अंदर में। बोले अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी अच्छे दिन आ रहे हैं। 18 महीने सैलरी ही नहीं, पूरा बीएसएनएल में काम कर रहे थे। 18 महीने तनख्वाह में नहीं मिला, तो ऑल इंडिया सबको पता ही चल गया, वही अच्छे दिन आ गए। मस्कुआ कहने लगा है जी, आपस में बैठे हुए इसलिए नहीं लगाया। आपसे में तो लगाना है, अकेले में नहीं लगाना है। गलती हुआ, लगा लेना चाहिए, लगाना था ना, लगा लीजिए। अभी लेके नहीं है पॉकेट। अच्छा छोड़िए, आप जी सोने चल जाइए, तनी सुख अजीरी सुख चल जाइए। क्या नाम है? मन, हमारा नाम सागर रावत है। ऐसे आप रहने वाले यूपी के? नहीं यूपी कुछ नहीं भैया, यही है हम लोग का सब कुछ, यहीं पर ही है। हाँ। कोई यूपी नहीं है। हाँ। और एक ही चीज जानते हैं कि दीदी को लाना है और दीदी को रहना है। हाँ। जब तक दीदी है, ज्योति बाबू के बाद अब दीदी यहाँ पर ही सब कुछ करेगी। धर्म के नाम पे वोट नहीं दीजिएगा? नहीं धर्म परम चिंते ही नहीं, तो इसलिए तो देखिए सब हम लोग एक ही संग है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, भाई हम लोग। हाँ। सब भाई भाई है, कोई इधर पर कोई जात बिरादरी नहीं। अभी रोजा का अफ्तारी खोल ही रहे थे, आप आ गए। हालांकि हम हिंदू है घर में। हाँ। और जब ईद का नमाज पढ़ने भी जाते हैं संग। इफ्तार खा रहे थे? हाँ अभी इफ्तार कर रहे थे, प्याजू और ये आलू चाप। आप हिंदू हैं, इफ्तार कर? हाँ अपने घर में। अपने घर पे? किसी मुस्लिम दोस्त के घर में? नहीं नहीं अपने घर में करते, दोस्त भेजा दिया, हम खा रहे थे अपने घर पे। ऐसे हम लोग का मिलजुल है, बहुत अच्छा। और हम लोग जानते कि जो काम करेगा, दीदी काम करती है, दीदी का आसरा से मंजर इकबाल काम करते हैं, हम लोग उनको चिंते, उनको वोट देते हैं। और उनका छोड़ा के अभी इधर कोई ऐसा ही है नहीं। इधर के वार्ड वाले हैं मंजर जी। हाँ मंजर जी यहाँ के काउंसिलर है ये वार्ड के, और सुब्रत मुखर्जी हम लोग के ये मिले है। बीजेपी कैंडिडेट कौन है? बीजेपी कैंडिडेट के तो नाम भी नहीं पता अभी तक हमको। मास्को पहनिए भैया। हाँ बोलिए, नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि रावत है। रवि राउत? राउत। अच्छा, क्या माहौल है बालागंज में? बालीगंज वहाँ बालीगंज से मिली पड़ रहा है। हाँ। जो है दीदी है, टीएमसी का है, क्या है? देखिए यहाँ बहुत प्रॉब्लम था। हाँ। लाइट का प्रॉब्लम था, पानी का प्रॉब्लम था, हर चीज़ का प्रॉब्लम, जो सॉल्व किया है ये टीएमसी आने के बाद से यहाँ बहुत सॉल्व हुआ है। घर घर में देखिए, सबका घर घर में आपका पानी, बाथरूम से लेके पूरा पक्का तक, ये टीएमसी आने से ही सब हुआ है। लाइट का तो क्या हाल था यहाँ पर, ये तो सभी को मालूम है। लाइट पानी बिजली सब सब यहाँ हर दीदी पसंद है, बहुत ही पसंद है। भाषण किन का पसंद है? भाषण तो हम लोग दीदी। मोदी जी भाषण अच्छा नहीं लगता? वो फेकू है, वो फेकू बाज है, उसी में इतना भाषण देता है, सिर्फ सिर्फ पेपर में अच्छा लगता है। हाँ। करके कुछ दिखा दे। मोदी जी कुछ नहीं किया? क्या किया बताइए? बोले अच्छे दिन आने वाले, ये अच्छे दिन है? अच्छा दिन कहाँ दिन आए? 18 महीने से बीएसएनएल का सैलरी नहीं रुका हुआ है। हाँ। करते क्या है? पहले हम बीएसएनएल में थे। हाँ। कुपेंडर के अंदर में। हाँ। बोले अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ। अभी अच्छे दिन आ रहे हैं। 18 महीने सैलरी ही नहीं, पूरा बीएसएनएल में काम कर रहे थे। हाँ 18 महीने तनख्वाह में नहीं मिला, तो ऑल इंडिया सबको पता ही चल गया, वही अच्छे दिन आ गए। सेल को बिक्री कर दिए, कोयला का कर दिया, रेलवे बिक्री कर दिए, वो तो बिक्री करने के लिए आए। तो मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, इसलिए बेच दो। वो बेच दो, और जो बेच के क्या हो रहा है? अभी पब्लिक कह रहा है सभी तो काम ही कर रहा है, वो कभी ऑफिस आके देखे? वो तो अपने इसी रूम में बैठ के तो आराम से वो भाषण ही देते हैं। जिसको नौकरी नहीं लगी सरकारी, तो खीस कैसे नहीं? अभी मिल रहे हैं, अभी कोई बता दिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी कोई काम आ रहा है अभी? जो आदमी काम कर रहा था उसके कितना पेट में लात मार दिया है हम लोग का, ये बीएसएनएल के बात बता रहा हूँ। कितना कर्मचारी हम लोग जो लेबर कमिटी जी थे, कितना सुसाइड कर दिए ए महीने के लिए, 18 महीने से काम करने के बाद भी कुछ नहीं दिए, सिर्फ भाषण दे भाषण। उनका सिर्फ भाषण में अच्छा लगता है और कुछ नहीं। लिखित तौर पे कुछ काम देख लीजिए, हो जाएगा। तो चुनाव कहीं आया, कई तारीख को? 26 को है। ममता दीदी चाह रही कि जल्दी समेट दिया जाए कोरोना वोरोना का। वो ममता दीदी आएगी, दीदी आएगी, बीएसएनएल लिखा कनेक्टिंग इंडिया। हम लोग करते हैं सब कुछ, करने के बाद भी लास्ट में क्या मिला? 18 महीने से रोक के रख दिया। बीएसएनएल के एम्प्लॉई 18 महीना तनख्वाह नहीं मिला। हाँ आप बोलिएगा जी,
क्या बोलना, नाम क्या हुआ? मेरा ईश्वर कुमार साहु। साहु जी, तब अभी वोट करने की रहेगा मोदी जी को? नहीं नहीं, मोदी जी काम क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी चोर है, एक नंबर चोर, मतलब पूरा सरकार को बेच के खा जा रहा है। कर क्या रहे हैं वो मोदी जी? मोदी जी प्रधानमंत्री है ना? मोदी जी प्रधानमंत्री, वो पूरा देश को बेच दे रहे हैं। हाँ जी, आप लोग धर्म के नाम पे वोट दीजिएगा। धर्म कोई भी हो, देखिए वो जात पात लेकर के क्यों बात कर रहे हैं? मोदी जी पूछिए, हम लोग सब भाई है, हिंदू मुस्लिम सब हम लोग एक साथ भाई है। ये जात का वो इतना बदनाम कर रहे हैं कि वो उनसे घटिया आदमी कोई है ही नहीं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वो तो बहुत बड़ा चोर है। मस्कुआ कहने लगा है जी, आपस में बैठे हुए इसलिए नहीं लगाया? आपसे में तो लगाना है, अकेले में नहीं लगाना है। गलती हुआ, लगा लेना चाहिए, लगाना था ना, लगा लीजिए। अभी लेके नहीं है पॉकेट। अच्छा छोड़िए, आप जी सोने चल जाइए, तनी सुख अजीरी सुख चल जाइए। आज सुनिए, इधर चुनाव है, विधायक जी काम किए हैं आपको? बहुत काम क्षेत्र में, सुब्रतो मुखर्जी बहुत काम किए। तो वोट करने अभी गिरेगा टीएमसी का? अब मोदी जी भाषण जो दे रहे हैं यहाँ, सेंट्रल के लिए मोदी ठीक है, हाँ स्टेट के लिए दीदी ठीक है, सेंट्रल के लिए मोदी ठीक है, बढ़िया काम किए हैं मोदी जी सेंट्रल में। यानी आपको केंद्र में मोदी जी अच्छे लगते हैं, अब बंगाल में दीदी आप वोट देते हैं भैया? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दीपराज राउत। दीपराज राउत जी, क्या माहौल बालीगंज में? इधर झंडवा तो है, बीजेपी का भी दिख रहा है, टीएमसी का भी दिख रहा है। वो तो दो दिन आगे प्रोग्राम हुआ था, इसीलिए लगाया गया था यहाँ पर। तो इन्हें सुब्रतो मुखर्जी काम किए विधायक जी? हाँ विधायक जी काम किया है यहाँ पर, ऐसा बात नहीं है। सेंट्रल बार से विधायक हैं इधर के लगातार। हाँ सेंट्रल में मोदी, बंगाल में दीदी। हाँ मैंने केंद्र मोदी जी पसंद है, बंगाल में दीदी पसंद है। दीदी वाह, काम वाम बताइएगा दीदी का, बढ़िया बढ़िया दो चार गो। दीदी का काम क्या बताएंगे, स्वास्थ्य साथी कार्ड का आर का बताए। अब बहुत सा ऐसा काम हुआ है यहाँ पर, ऐसा पानी का कल हम लोग देखे। सबसे बड़ा बात, हम लोग लोकल काउंसिलर जो है वो बहुत एक्टिविटी है इसके अंदर में। पानी का जितना सब बहुत सा समस्या हम लोग, नाली का, ड्रेनेज का, सब पानी पानी लाइट फाइट यहाँ पर। नवीन राउत, राउत जी इधर ज्यादा रहते हैं क्या? तो पूरा यह जगह में परिस्थिति बहुत अच्छा किया, मेरा काउंसिलर बहुत अच्छा काम किया है, उसको सबको देख के चलने पड़ेगा। ठीक बोले भैया, सबको पूरा फैमिली को देख के चलने पड़ेगा, अब परिस्थिति को देख के चलने पड़ेगा, अपने आप को अंधा कानून बनना नहीं पड़ेगा। अंधा कानून नहीं बनना, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मास्क नहीं है भैया? नाम है शंकर चौधरी। शंकर चौधरी, हाँ। तबरी का माहौल इधर चुनाव है? अब चुनाव देखिए, हम लोग नहीं बोल सकते। हाँ। जो हम लोग का इस एरिया का है, हाँ। तो हम लोग पहले उसी को देखेंगे। माने इसी एरिया बालीगंज का पूछ रहे हैं? बालीगंज का सुब्रतो मुखर्जी। आपके तो नौ बार से है विधायक आपके? अब जो भी है, हम लोग एक ही आदमी को चिनते, सुब्रतो मुखर्जी को। काम करते हैं? हाँ हम लोग काम करते हैं। काम काम नहीं देख रहे ना, क्या चकचक कर रहा है, लाइट जल रहा है, पानी है, सब चीज का सुविधा इधर में। मोदी जी भाषण दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, जब देंगे तब फिर हम लोग जरूर देखेंगे। अभी तो जो हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग उसी करा लेंगे भाई। मोदी जी की दीदी कौन अच्छा लगे? दीदी नाम क्या हुआ? सनी राउत। सनी जी, क्या माहौल है यहाँ चुनाव में? बस बेस्ट है अपना। क्या बेस्ट? दीदी बेस्ट। क्यों बेस्ट? ऐसा काम करते हैं, ऐसा देखते हैं। मोदी जी? मोदी जी को देखा नहीं तो उनको क्यों बोलूंगा? मोदी जी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वो वहाँ कैसे, यहाँ का तो नहीं ना, पूरे देश के यहाँ का भी प्रधानमंत्री बने हैं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्या बात कर रहे हैं? पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं? भारत के है, बाकी यहाँ का तो नहीं। यहाँ बंगाल भारत से अलग है? अलग तो नहीं, एक साथ ही है। तो यहाँ का अपना दीदी है। अच्छा, मैंने यहाँ दीदी चलेगी, चलिए यहाँ दीदी चलेगी, बालीगंज है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएँ। जय भीम, जय भारत।